हम हमेशा अपनी बेटियों को समझाते हैं, माताओं से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमेशा हम अपनी बेटी को समझाते हैं, बेटी तने ध्यान तो रहना है, बेटी बाहर जावे तो चुन्नी रखिए, बेटी सूत्रा ओढ़िए, सूत्रा पहरिए। लेकिन कभी भी हमने अपने बेटियों को ये नहीं बताया कि भाई किसी छोरी ने देख के सीटी ना बजाइए, कितने बस में छोरी ने दुखी ना करिए। अपना जो असली कल्चर है, मतलब बाकी जो ये बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है बाकी तुमने कितने भी पाए जाएंगे, पर बेंजू और गढ़वा जो है यो हमारे हरियाणा का असली साज है। एक बार जोरदार तालियां भी चाहूंगा इन साथियों के लिए, ये बचा के रख रहे हैं कला को, संस्कृति को। ग्रामवासियों का और आसपास से आए सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। और बहुत खुशी की बात है कि हम लोग ऐसे समागम में इकट्ठा हुए हैं जो समाज के लिए भी जरूरी है और इन बच्चों के लिए भी जरूरी है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी जरूरी है। अब आज अगर इकट्ठा हुए तो सब बच्चों से मैं अपील भी करता हूं कि घर जाके सारे बालक फोन चलाते होंगे, कदे लूडो खेलो, कदे इंस्टाग्राम चलाओ, कदे फेसबुक चलाओ। आज घर जाके 5 मिनट 10 मिनट इस बात पर लाइयो कि जो प्रोग्राम आज का था धन्ना भगत जी का, उनकी जीवनी पढ़ियो, उनके बारे में पढ़ियो। आप गूगल करोगे तो आपने सारी चीज मिल जाएंगी। सिर्फ इकट्ठा होना मकसद नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी हमने ये जानना चाहिए हम किन के लिए इकट्ठा हुए हैं, उनका क्या योगदान था, वो सारी चीजें आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए। और मैं संत समाज का धन्यवाद करता हूँ, हमारे साधु संतों का धन्यवाद करता हूँ कि कलयुग के दौर में जो इंसान भाग रहा है, एक दूसरे ने खान ना हुए है, एक दूसरे पर पाप करने लग रहा है, उस दौर में ये साधु संत है जो बीच बीच में हमें ये संदेश देते हैं कि बेटा घना जल्दी में मत चल, थोड़ा उल्टा आ जा, थोड़ा पढ़ ले, समझ ले, थोड़ा जान ले जिंदगी ने। तो साधु संतों का धन्यवाद करता हूँ, कलयुग के दौर में हमने बचा कर रख रहे हैं और हमने ये चीजें भी समझाते हैं कि हमने सामाजिक रूप पे भी हर जगह इकट्ठा होना चाहिए। इन बेटियों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, एक बार जोरदार तालियां इन बेटियों के लिए। और इन गानों को सिर्फ गाना नहीं सोचना होता हमने, जो इनने बताई है असली पीड़ा है आज भी। पुराने टाइम में तो थी बहुत ज्यादा, मतलब 3 छोरियों में पाछे तो सासू के बरा बहू गले बात भी नहीं करे, ऐसा सीन आज के दौर में भी है। जबकि वो उन चीजों को नहीं समझते कि 3 छोरी होना बहू का खोट नहीं है, 3 छोरी होना भगवान ने दी है और लक्ष्मी है, छोरी और छोरे बराबर। वो फिल्म का डायलॉग भी तुमने सुना होगा कि हमारी छोरी छोरों से कम है के, जब बीमार हो गए बुढ़ापे में छोरा तो केवरा किते पिए पड़ा पावे किते ठेका कागज तकत पे, पर ये छोरी तुमने समाट लाइट गए। स्टेट में जी रहे हैं जहाँ पर कल्ले कल्ले घर में लाइट आनी तो बहुत दूर की बात है, सार्वजनिक प्रोग्राम में भी पूरी नहीं देंगे। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और हाथ जोड़ के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम भी करता हूँ और एक अपील भी करता हूँ हमेशा के लिए कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए जहाँ पे बुजुर्गों के सम्मान की बात हो, जहाँ पे बड़ों के सम्मान की बात हो। और मैं बता दूं साथियों, वैसे तो इस रागनी ने मेरी लिखी हुई रागनी है, लेकिन भाई सोनू बहुत बढ़िया तरीके से गाया करे, फिर भी मैं गुनगुना के जाऊंगा कि जो बड़े बूढ़े हैं जब तक ये हैं तब तक हमारे संस्कार जिंदा हैं, नहीं तो आने वाले संस्कार तो तुमने बेरा है, इंस्टा पर देख लिए होंगे, फेसबुक पर तुमने दिखने लग रहे होंगे, सारे संस्कार शाम ही है सबके। लेकिन जब तक ये बुजुर्ग हैं तब तक हमारा कल्चर जिंदा है। बेशक चीन और जापान कार बनाता है लेकिन मेरा भारत संस्कार बनाता है, और ये संस्कार इन बुजुर्गों ने दिए। ये बड़े बड़े मर जाएंगे, सूरज छिप जावेगा, फिर देखियो हरियाणा तक के जावेगा, कि जब ये नहीं होंगे तब क्या क्या जाएगा। कि घर घर में जब तीज मने ना रोए जागी सामण रे, घर घर में जब तीज मने ना रोए जागा सामण रे, बग्गा में जब झूल गले ना रोए जागी जमण रे, खुट्टी ऊपर रोएंगे ये धोती कुर्ता दमण रे, और मंदिर आगे ठेके खुल जा रोए जागा बामण रे, इनके आंसू थमण रे, फिर कोई ना होगा, फिर देखियो हरियाणा ते के जावेगा। गुड़ की ढेरी मरगी लोगो मरगे कोलू गम्मा में, कोलू किस किस ने देखे हैं, कोलू हाँ सिर्फ बड़े रंग देखे हैं, हाँ बालक गलत आठा रहे बेटे, तुमने कौन देखे होंगे, एक आधे बच रहे तो रहे कौन, रहे कोलू पटे देखे ना। के गुड़ की ढेरी मरगी लोगो मरगे कोलू गम्मा में, गौ माता बिन कद के मरगे घी के डोलू गम्मा में, चिंटू मिंटू जन्नत जूली आगे बोलूगा मैं, और सुरता बर्था पृथ्वी मांगे मर गे मोलूगा मैं।
मैं केक के टोलूंगा अम्मा मैं मना कुछ ना पावेगा, फिर देखियो हरियाणा ते केक के जावेगा। अपने हाथा बेटे पाड़े माँ का चूल्हा माटी का, माटी के चूल्हे आ रहे हो या कर दे, और माटी के चूल्हा आगे माँ रोटी बनाया करती, चार भाई इकट्ठे बैठ के खाया कर दे, मजा था वो, प्यार था वो, रिश्ते थे। आज का टाइम तो भाई भाई ने देख कर राजी नहीं, मकान भी बनाओगे तो कहेगा छोटना भाई दे एक फुट ऊपर ठा दे, बेशक एक साल तक उसका कुआड़ झाकी ना लागो, उसमें के बरा पल्ली अड़ाए रखे, पर छोटा भाई तो ऊंचा जरूर उठाओगा, इतना बैर दे वैसा आपस मोर आज के टाइम में। के अपने हाथा बेटे पाड़े माँ का चूल्हा माटी का, बड्डे की ना चौधर चले जोर चलेगा लाठी का, नहीं शुक्रिया अदा करेगा जख्म कदे भी पाटी का, और घोर अंधेरा छा जाएगा जब तेल सूख जा बाटी का, साथी अपने साथी का खुद कत्ल करावेगा, फिर देखियो हरियाणा ते किक के जावेगा, अरे फिर देखियो हमारे देश ते किक के जावेगा। इन बेटियों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति भी दी है, और एक डर जायज भी है आज के जमाने को देखते हुए, माँ बाप क्यों सुरक्षित नहीं है, क्यों नहीं चाहते माँ बाप की मारे बेटी हुए। ये जो साथी युवा बैठे भाई बैठे इन तभी अपील करूंगा, जब आप बसों में जाते हो, जब आप कॉलेज में जाते हो, जब आप बस स्टैंड पे जाते हो, हम हमेशा अपनी बेटियों को समझाते हैं, माताओं से रिक्वेस्ट करता हूं हमेशा हम अपनी बेटी को समझाते हैं, बेटी तना ध्यान ते रहना है, बेटी बाहर जावे तो चुन्नी रखिए, बेटी सूत्रा ओढ़िए सूत्रा पहरिए, लेकिन कभी भी हमने अपने बेटियों को ये नहीं बताया कि भाई किसे छोरी ने देख के सीटी ना बजाइए, इतने बस में छोरी ने दुखी ना करिए। जिस दिन हमने बेटों को समझाना शुरू कर दिया उस दिन बेटियां अपने ऊपर बोझ नहीं रहेंगी, मैं बताता हूँ आपको। बेटों को समझाना शुरू करो और बेटे भी जिम्मेदारी लो, और बेटियों से अपील भी करता हूँ, जब आप बाहर पढ़ने जाती हो एक माँ बाप की उम्मीद भी होती है, एक डर भी होता है, माँ बाप की आंखों में जो डर होता है, एक बात कहता है अपनी बेटी से के बेटियां की जो पाली है बेटी तेरी, थोड़ी को दे दो थोड़ी सी हल्की सी रिवर्ब दे दो हल्की सी, हाँ बेटियां की जो पाली है बेटी तेरी खातर जिंदगी गाली है बेटी, जाना पढ़ने न बाहर ले जा अच्छे संस्कार, कदे गलत रास्ते जाइए ना, हाथ जोड़ कहूं लड्डो राखिए तू ख्याल, मेरी जग में है नाड़ झुकाइए ना, हाथ जोड़ कहूं लाडो राखिए तू ख्याल, मेरी जग में है नाड़ झुकाइए ना, मेरा हरिया भरिया इज्जत का रूख तेरी एक चूक ते झड़ जागा। एक छोटी सी गलती जिस दिन बेटी कर देती है उस दिन बाप के पास कुछ नहीं बचता, कि मेरा हरिया भरिया इज्जत का रूख तेरी एक चूक ते झड़ जागा, तेरी छोटी सी गलती ते मने काम छोड़ना पड़ जागा, जय होगी पंचायत मेरी आखिरी वारात फिर आस जीण की लाइए ना, हाथ जोड़ कहूं लड्डो राखिए तू ख्याल, मेरी जग में है नाड़ झुकाइए ना, हाथ जोड़ कहूं लड्डो राखिए तू ख्याल, मेरी जग में है नाड़ झुकाइए ना। एक बार जोरदार तालियां बेटियों के लिए, और सारी ज्ञान की बात करके तो ये मलंग नुकेंगे हमारे बारे में कि मैं नहीं बता के गया, तो मैं बता दूं ये हरियाणा है, और हरियाणा का आदमी ऑक्सीजन बिना रह सके स्वाद लिए बिना नहीं रहूंगा कदे भी, हरियाणा का आदमी मजे में रहूंगा कितने भी हो। वो कई साथी कह दे बोला सारे प्रदेशों के गाने हैं, बोला टूरिज्म के, राजस्थान का गाना है पधारो मारे देश, बॉम्बे वाले नु काम ची मुंबई, बोला हरियाणा का नहीं है, मखा हरियाणा का जो गाना बनेगा तो बहुत स्वादी गाना बनेगा, और ये गाना मैं हर मंच से गाता भी हूँ, के जित हर बैठक में चिलम का धुमा उठे जावे से, जित बिना खोट भी घेर का मानस कुटे जावे से, जित काचे काटे बिना किसे ने सरदा नी, और जित का मानस किसे साले तय डरदा नी, जित बंदर का भी मोर बना दे थाने में। एक बार हरियाणा पुलिस के लिए ताड़ियां जरूर मार दो, ताड़ी इसी मारो जो कर हरियाणा पुलिस पटे मारा कर, हाँ, कि जित बंदर का भी मोर बना दे थाने में, थोड़े दिन तो गुजारो हरियाणा में, रम खा का दे तो पधारो हरियाणा में, पेप्सी वाली बोतल में जित लासी आवे से, ये बाहर के देशों के रिवाज है कि पैकिंग आंधी होगी, मारे जो भी बालक बाहर पड़े हैं अपने गामा के, कितने भी जांदा हो इसार जाओ नरवाना जाओ, माँ 2 लीटर की पेप्सी की बोतल जरूर भर के देगी लासी के, ले बेटा ले जा तू भी पीलियर के लड़े ने पिया दिए, कि पेप्सी वाली बोतल में जित लासी आवे से, और बस की छात पर बैठ के बीड़ी चासी जावे से,
पावे डॉक्टर ते भी एंडी सलाह देनी है गम्मा में भाई रम की घूट मार ले जे तने खांसी आवे से र आंधे खोट काटते हंडे काण्या में थोड़े दिन तो गुजारो हरियाणा में हम खा पक्का दे तो पधारो हरियाणा में जित चिमटे गेला कूट कूट के काटे भूतां ने। आपको पता होगा हमारे हरियाणा में चिमटे से भूत निकाले जाते हैं, माताओं को तो पता है। इनमें तीसरा दिन माता आ जाए। आज तक भाई साहब हमने कभी नहीं सुना किसी भी औरत में झांसी की रानी आई हो, किसी भाई में भगत सिंह आया हो, भूत तीसरा दिन आ जाए। बेरा नहीं कौन सी बस पकड़गा भाई इनमें के जित चिमटे गेला कूट कूट के काटे भूतां ने। और शुक्र है यो रिवाज मारे आड़े आस पास है भूतां आला भूत काटने आला। बाई चांस जय विदेशा मोंदा नहीं है दुखी कर दे तीसरा दिन नुकर इंग्लैंड में बताए कोड़ा दिखा लाके ये बाड़े बाड़े में दुखी कर दे अपन के जित चिमटे गल्ला कूट कूट के काटे भूतां ने सोए था के नु पूछेंगे ठा के सुत्या ने और नजर टोक जे तग्या ते भी ठीक नहीं होवे जावे शनिवार का इनविटेशन काले कुत्ते ने साइंटिस्ट ते बढ़िया पावे खोपड़ी शाण्या में रे थोड़े दिन तो गुजारो हरियाणा में हो मखा कदे तो पधारो हरियाणा में। मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ कमेटी का भी गांव का भी और आप सब का भी और उम्मीद करता हूँ ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए। लीलू जी का धन्यवाद करता हूँ और मेरे जिम्मे जो भी हो कमेटी को खुले दिल से जो मुझे बता देना आप, मैं आपके साथ हूँ। और सबका धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते।